हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सैटरडे है, तो आज मतलब रातों रात ही घर पे आना पड़ा क्योंकि कल एक फैमिली फंक्शन है जिस पे अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए रात को ही मतलब अभी घर पे आ चुकी हूँ। टाइम है 10 बज रहा है रात के, तो देखिए घर पे क्या क्या होता है। जैसे ही मैंने बोला बहन को कि मैं घर आ रही हूँ, और मेरी बहन जो हमेशा मेरे को लूटने के लिए तैयार है, उसने फरमाइश किया कि कुछ चाहिए उसको। सो देखिए मैं क्या लेके आई हूँ उसके लिए, दिखा दे ताकि सब लोग देखे तू कैसे लूट रही है मेरे को। दायित्व माय फूड, वनीला नहीं था ये, एक्चुअली व्हाइट चॉकलेट, नो व्हाइट फॉरेस्ट था। तो देखिए एक्चुअली मैं एक लाई थी मेरे लिए और एक लाई थी इस बुकर के लिए, बट दोनों ही अब इसके पेट में जा रहा है। बहन खाना दे रही है मेरे को, डोंट शूट मी, इतना खातिरदारी हो रहा है। कोई खातिरदारी नहीं हो रहा। सो मैं दिखाती हूँ खाने पे क्या क्या है। दिस इज प्योर देसी घी एंड केकड़े का सब्जी, बॉयल्ड अंडा। डिनर डन। तो अभी हम लोग आए हैं घर के सबसे छोटू सा मेंबर शीरो के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करने। तेरे बोलने पे नहीं बैठा है, तेरे बोलने पे उसको खुजाना है, इसलिए मैं ही इज हाइडिंग समथिंग इन हिज माउथ, ही इज रनिंग फ्रॉम मी, सो आई विल टेक। क्या छुपाया है मुंह में, दिखा, आकर आकर। हां कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। गदन शी कितना क्यूट है भाई, उसको भी आना है, दिखना मक्का हुआ है। अभी ऐसे खेलता रहेगा, थोड़ी देर पर टायर्ड हो जाएगा, फिर अपने आप हो जाएगा। अब देखिए कुछ, अब ये यहाँ पर है ना, मैं पीछे जाऊंगी थोड़ा और जाऊंगी, बात कर लेगा पीछे। होती है ना, He's coming. He's coming. मैं रात में वॉशरूम के लिए निकलती हूँ, ये पता नहीं निकल जाता है, ये भी आ जाता है मेरे साथ। देखने देखने लिख कर रहा है, ये भी आ जाएगा मेरे साथ। ये भी मेरे साथ रात को सुसु करता है, इसका भी मेरे साथ टाइम नहीं है। आएगा मेरे पास, फिर वॉशरूम के बाहर बैठा रहेगा जब तक मैं सुसु नहीं करती हूँ, फिर मेरे साथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आके सो जाएगा। लाइट ऑफ कर, कुछ नहीं करेगा अभी, वो खा रहा है ना। गुड नाइट, गुड नाइट शीरो, मुलाकात होगा। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं एक राइस सेरेमनी पे, तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं, तो मैं जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं हम बंगालीज लोग। तो इस रिचुअल को बोलते हैं जौल भोरा, मतलब कि यहाँ पे गंगा मैया को पूजा करेंगे एंड उसी जगह से पानी ला के बेबी को थोड़ा नहलाना है। सो बेबी को नहलाने के बाद अभी हम लोग आए हैं माताबारी में भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि राइस सेरेमनी के दिन बेबी को किसी भी मंदिर में लेके जाना होता है टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। माँ का दर्शन हो गया, तो अभी यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है बेबी के साथ फैमिली मेम्बर्स का, तो फोटो सेशन के बाद अभी हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। सो अभी घर पहुँच गए हैं एंड अभी टाइम है खाना खिलाने का, तो मामा खाना खिलाते हैं हम लोगों में से बेबी को। फर्स्ट बाइट जो होता है तो वो मामा ही सर्व करते हैं। शी मस्ट बी सो टायर्ड, बेचारी यॉन कर रही है नींद में। आ,
ये और एक रिचुअल है हम लोगों में कि खाना खिलाने के बाद बेबी के सामने बहुत सारा कुछ सामान रखा जाता है, गोल्ड सिल्वर बुक एंड मिट्टी वगैरह। तो देखना ये होता है कि बेबी सबसे पहले किस चीज़ को पकड़ेगी। तो जिसको पकड़ेगी ना, बोला जाता है कि इन फ्यूचर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में ही आता है। तो सारा रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद अभी यहाँ पे बेबी का थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।